और गाइस ये बाबा के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। आज वो टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी इधर मतलब बीच में दे दी है बड़वा टाइप की, ऐसे बना के दे रही हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसे भी टिफ़िन बाबा को पसंद आती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। इसके अंदर आलू की सब्ज़ी है और बाबा के लिए मैंने टिफ़िन बना ली गाइस, ऐसे करके मालपुआ टाइप में ही आलू की सब्ज़ी मतलब कंप्लीट इधर दे के मैं बना रही हूँ। साथ में सॉस भी दे दूँगी। बाबा को अभी कॉलेज के लिए मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मिलती हूँ। पूजा पाठ हो गई, एक कप चाय पी लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। पुनर्बार मोर चैनल सबको स्वागत जानसो। आज का ब्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। तो ढेकिया खुआ नाम ही बोलते हैं हम लोग का असम में, मतलब भादो माह में, मतलब ये सब ये मैंने एक परंपरा है। वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। जब मैं जाऊंगी उधर उसकी कुछ मोमेंट दिखाने की कोशिश करूंगी। अभी से शुरू हो गई मेरी ब्लॉग। और मैं ये दूध के साथ थोड़ी मूढ़ी ही खा लूँगी अभी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मेरी गैस की प्रॉब्लम है। मैं दिन भर फास्ट में नहीं रह सकती और दिन में तो मैं आज बॉईल ही बनाऊंगी गाइस। गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं बेडरूम में आके मतलब ब्रेकफास्ट करने आ गई। आज दूध के साथ मैं मूढ़ी खा रही हूँ और दोपहर के लिए थोड़ी बॉईल बना लूँगी। बहुत गर्मी ज़्यादा है, धूप मतलब बहुत निकल रही है, काम भी है, घर की सफाई थोड़ी और करनी है, बाद में मिलती हूँ। ये पानी गर्म कर रही हूँ बॉईल दाल के लिए और गाइस ये मूंग दाल और अरहर दाल के साथ बॉईल करूँगी मैं। और ये झींगा आलू काट के रखी हूँ, इसको भी मैं दाल में ही देके बॉईल करूँगी आज से, सिंपल बॉईल। और एक साथ मैं बॉईल कर रही हूँ, डाल दी है आलू, झींगा, टमाटो, अदरक सब देके मैं बॉईल कर रही हूँ गाइस। साथ में हरा मिर्चा भी, ये चावल चढ़ा दी मैंने। सो आज सिंपल बॉईल। ये देखो धनिया भी दे दी मैंने साथ में मिर्चा के साथ। सो दाल हो गई है, अभी फटाफट खा लूँगी, उसके बाद रेडी भी होनी है थोड़े टाइम रेस्ट करके। घर से थोड़ी दूर है जो नाम घर है, थोड़ी साग भी बॉईल कर रही हूँ। ड्रोनो खाक बोलते हैं इसको हम लोग आसामीस में, बिना लहसुन के ही। थोड़ी आलू भी दे दूँगी, मिर्चा भी साथ में। अभी मैं बैठ गई नीचे में ही कॉल पात में खा रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। और ब्राउन राइस में लेके बैठ गई हूँ, दाल आलू की टिक्का मतलब आलू का भट्टा और जो साग का भट्टा हम लोग पिटिका बोलते हैं आसामीस में। सो अभी मैं फटाफट स्वाद लेके खा लेती हूँ गाइस। और पिटिका भी बहुत टेस्ट हुआ है, साथ में भूत चोलिका की असर भी ले रही थी मैंने गाइस। सो गाइस हम लोग नामघर के लिए निकल रही हूँ अभी। उधर जाके दिखाऊंगी जो कुछ दिखा पाऊंगी। हाँ अकमान उला दिया बाबा भी रेडी होके आ गए गाइस। देखो और मैं पूरी रेडी होके घर से बाहर आ गई हूँ। देखो गाइस अभी हम लोग घर से निकल जाऊंगी। कार में पेट्रोल डाल रही थी, थोड़ी टाइम रुकी थी उधर। और रात की 7 बजे हम लोग घर से निकल रही थी, मतलब 6 बजे तैयार हो गई थी पूरी। अभी आ रही हूँ। थोड़ी टाइम के बाद मेन गेट पहुँच जाऊँगी हम लोग। देखो एकदम शांत परिवेश है रात की,
रात को जाने से बहुत अच्छी लगती है। ये देखो मेन गेट है डेकिया खा नामघर की, दिखाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाड़ी के अंदर से। सो ये वाला गेट नया बनाया है, वो जो फास्ट वाला है वो पुरानी थी और बहुत सुंदर है देखने में। सो हम लोग एंट्री हो गई मेन गेट के अंदर, अभी और 2-3 किलोमीटर घुसनी पड़ेगी क्योंकि उधर गांव के बीच ही है। हम लोग पहुंच गए देखो गाइस मेन जगह जो है नामघर पहुंच गए। ये सब मेला जैसी हो रही है, ये नामघर की मेन जगह से वीडियो करनी पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं देते हैं कैमरा अंडर लाने के लिए। फिर भी मैं साइड में जो है मैं छुपके से कर रही हूँ, दिखाने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ गाइस, लेकिन मेन जगह से नहीं कर पाऊँगी। सो ये बाहर ही मैं ले रही हूँ थोड़ी बहुत। बहुत पुरानी ये पेड़ है देखो, एक पुखरी भी है तालाब। सो उधर भी जाऊँगी, मतलब बहुत मछली कछुआ उधर है, लेकिन रात को दिखाने की पॉसिबल नहीं है क्योंकि रात को बाहर नहीं आती है। ये है जो पुखरी है, बहुत कछुआ और मछली भी रहती है इधर, तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है गाइस देखो। तो बाबा जान मैं बाहर ही ऐसे घूम रही हूँ, मतलब बहुत ठंड कूल परिवेश है, बहुत अच्छी लग रही है गाइस, सुकून मिलती है इधर आके। और ये देखो थोड़ी अंदर आ गई, थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। रात इतनी रात हो गई लेकिन लोगों का भीड़ भाड़ अभी तक है, दिन में तो घुसने की मतलब नहीं हो पाती है, इतनी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। अभी हो गई हम लोग का नाम कीर्तन, ये सब बहुत टाइम के लिए रुकनी पड़ेगी क्योंकि 12 बज जाएगी, इसलिए हम लोग 9 बजे ही वापस चली आई। ये देखो मेन द्वार है, कितनी सुंदर है, थोड़ी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, बहुत सुंदर है। और मेला भी लगी है उधर। अभी आप खाना एक रेस्टोरेंट पे खाना पीना खा रही हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई, रात को घर में खाना बनाने की मूड में नहीं हूँ इसलिए खा ली। सो रोटी ये लोग चिकन ली थी, मेरे लिए दाल फ्राई थोड़ी सब्जी। सो आज की ब्लॉग यही मैं एंड करूँगी। सो कैसी लगी गाइस मेरी ब्लॉग, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट रेसिपी और ब्लॉग के साथ आप लोग की मूड फिर से हाजिर होंगी। सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आज के लिए बाय बाय टाटा। और अभी मैं मज़ा लेके खा लेती हूँ गाइस, साथ में रोटी भाजी और दाल। ये है आज की मेरी ब्लॉग।